जैसा कि आप सभी को पता है, ये एरिया जो है अभुजवाण माना जाता है, और ये जो है उनका जो है जितने भी आपके माओवादी संगठन हैं इस समय जो है उनका पूरा ये जो एरिया जो सुरक्षित एरिया माना जाता है, और उनकी सूचना पर जो बड़े लीडरों के जो माओवादियों के बड़े लीडरों की सूचना के आधार पर जो है आज से 4 दिन पहले ही एक ऑपरेशन प्लान किया गया था, और वो प्योर अभुजमाड़ में जो है, और उसी आधार पर जो अपने नारायणपुर, दंतेवाड़ा का DRG और साथ में हमारा SDF, ये तीन का बल था, और वो बल जो है आज से करीब 3 दिन पहले जो है जंगल में ऑपरेशन के लिए गया था, और इसी दरमियान कल 1 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो जबरदस्त मुठभेड़ हुआ है पुलिस फोर्स और माओवादियों के बीच में, जिसमें कि 31 माओवादी ढेर हुए हैं, और उसी अनुसार जो है आपके AK-47, SLR, LMG, INSAS, 303, 315 बोर, BGL लॉन्चर गन और पिस्टल, इस तरह बहुत सारे जो है वेपन अपन को जो है उनसे जो है बरामद हुआ है। सर किस टाइप का फॉर्मेशन रहा होगा इतनी बड़ी संख्या में? ये एरिया में जैसे आपको बताया, पूरा एरिया जो है नक्सलियों का सबसे सुरक्षित एरिया माना जाता है, और इस एरिया में जहां पर हम लोग ऑपरेशन किए हैं वहां पर जो एक तो पूर्वी बस्तर डिविजनल कमेटी है नक्सलियों का, वो ऑपरेट करता है, और उन्हीं के साथ में जो है कि यहां पर जो है PLGA की कंपनी नंबर 6 यहां पर जो सक्रिय है, और उनकी अगर दोनों मिलाकर अगर हम अनुमान लगाएं, एक अनुमानित संख्या, तो कम से कम 100 से जो 150 की संख्या उनकी है पूरी बस्तर डिवीजन में, और उसी फॉर्मेशन के साथ जो है हमारा फोर्स का जो है इनकाउंटर हुआ था। सर इतना चैलेंजिंग टेरेन है और नक्सल डेन कहा जाता है इस एरिया को, और फोर्सेस पेनेट्रेट करके अंदर आई और मार भी गिराया 31 लोगों को, सर क्या समझे कितना कमजोर हुआ होगा नक्सल यहाँ पे? नहीं, ये तो भाई रणनीतिक खेल है, उसको कमजोर हुआ ये नहीं बोल सकते जो है, ये तो भाई जिसका रणनीति मजबूत होगा उसका जो है, तो इस समय जो अगर आप देखेंगे ओवरऑल पिछले 6 महीने में मैं आपको कह सकता हूं कि पुलिस ने अपने रणनीति में जो है सुरक्षा बलों ने, पुलिस ने नहीं बाकी भी जो यहां पर अपना CPMF का फोर्स है पूरे बस्तर संभाग में, एक रणनीतिक तौर से जो है हमने जो कुछ बदलाव किया है, और उसी बदलाव का परिणाम है कि आज के समय में हम ये कह सकते हैं कि पूरे माओवादी संगठन पर जो है सुरक्षा बल भारी पड़ रहे हैं। सर स्ट्रेटजी की बात कही आपने, स्ट्रेटजी एकदम क्रूशियल बात होती है स्ट्रेटजी, और पिछले 6 महीने की भी बात कही सर, और कुछ समय पहले होम मिनिस्टर भी आया, कमिटमेंट दिए थे 2026 का, सर कैसे देखते हैं? निश्चित तौर से हम लोग जो है उस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं उसका जो परिणाम है आप लोग सामने दिख रहा है।